क्या मामला है जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे? इससे ज्यादा बुरा मामला किसान के साथ नहीं हो सकता। अब तक 2023 तक किसान की आय दोगुनी होने वाली थी, लेकिन खेतों में चल के पता चलेगा कि यहाँ कितनी आय दोगुनी हो गई। इस साल जो फसल बोई गई थी सारी फसल ये हमारा पशु खा गए, और इतनी तादाद में बढ़ रहे हैं कि एक एक खेत में सैकड़ों सैकड़ों पशु घूम रहे हैं। हमने एसडीएम साहब से कहा था कि हमारे आवास का पशु पकड़वा दो, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि ये मेरे बस की बात नहीं है, इतनी गौशाला नहीं है और गौशाला के साथ साथ इनकी क्षमता वृद्धि भी नहीं हो रही है। तो हमने यही निर्णय लिया था कि जो हमारा पशु है उन्हें खुद पकड़ कर लाएंगे और तहसील में छोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि हमारे बस की तो अभी इन्हें पालना है नहीं, क्योंकि पालना नहीं है कि अब ये सीधा मारने को आ रहा है। इन्होंने कई किसान जान से मार दिए, अब हम इनसे मरने के नहीं, अब हमसे जो होगा हम वो करेंगे। हमने बताया शासन प्रशासन से उम्मीद लगा के देखी थी कि हाँ ये हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन इस सत्ता की जो पॉलिसी है किसान के लिए बहुत ज्यादा खराब है, उसकी एक भी पॉलिसी किसान के पक्ष में नहीं आ रही। कहीं गन्ने का पेमेंट नहीं कर रहे, कहीं रेट डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो इस सत्ता का तो बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर दिया किसान पे। तो यही इसलिए आज हम अपने पशु लेकर आए तहसील में। हसनपुर क्षेत्र में भी कुछ किसानों ने सुनने में आया कि आवारा पशु बांधे थे विद्यालय में, कोई कार्यवाही हुई उस मामले में? कार्यवाही तो हम तैयार हो गए, हमें किसान जब किसान यूनियन की उसमें झंडा लेके डंडा लेके जब यहाँ आके खड़ा हो गया तो हम तो कार्यवाही के लिए तैयार हैं। और शुरू से लेकर आज तक यही सपना देखा, तुम कार्रवाई करते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे, जितने भी किसान भाई सब खड़े इन पे जितनी मर्जी कार्रवाई कर दो, आज सैकड़ों करें कल को 1,000 होंगे, कल को 10,000 होंगे, हम तो चाह रहे हैं तुम कार्रवाई करो, हम तो तैयार हैं बिल्कुल, लेकिन हम अपनी फसल और अपने बुजुर्गों को मरवाने के नहीं इनसे। ठीक, अब दीजिए क्या मामला है जी, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तहसील में? मामला ये है जी, मामला भैया जी, हमारे पशु से लेकर किसान बहुत परेशान है, दिन रात न सोने का है, न बैठने का है, न खाने का, न पीने का, जब भी समय मिला है कि खेत पशु है सारी फसल बर्बाद कर दी, आगे को कोई बच्चों के लिए भविष्य में कोई दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए किसान पशु लेकर आए हैं। कब तक प्रदर्शन जारी रहेगा? जब तक शासन प्रशासन के संबंध में कोई नई उचित कार्यवाही नहीं करेगा, जब तक ये हमारा धरना प्रदर्शन इसी तरह या पशु लाने का काम जारी रहेगा। प्रदर्शन कर रहे हैं किसान तहसील में, क्या मामला? अजी ये एक प्रदर्शन इसलिए करा जा रहा है कि किसान की फसल तो पट करी कर दी, लेकिन हमारे ग्राम देहरा चक में रामपाल सिंह सरोप गुलाब सिंह उन्हें जान से मार दिया, जान से मर गए हो, ये लगा लो उनके बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा। ब्रतपाल सिंह विक्रम सिंह उनकी एक बिजार ने 15 दिन पहले टांग फाड़ दी, उनका आए 19 लाख के। दौलत सिंह एक जाटा भाई उसका क्या कहना है, क्या बुरा हाल होया है, वो फाड़ के गिर दिया, वो खतरनाक, तो ये 2-3 उन्हें पकड़ लाए, लेकिन आगे हम इनसे यूं कह रहे हैं जो और खतरनाक पशु हमारे गांव में घूम रहे हैं उन्हें पकड़ के लाओ, हर एक गांव में से पकड़ के लाओ, सब गांवों का बुरा हाल है, किसी गांव में एक मार दिया, किसी में दो मार दिए, मतलब अब हमला कर रहे हैं ये आदमियों पे, जो हम खेत को रखा रहे हैं तो उस पर कुछ सीधे अड़े आके पड़े हैं पशु, तो हम क्या कर रहे हैं, फसल नष्ट हो गई। और दूसरी बात ये है कि साहब हम इनसे कई बार कह चुके, मका जी इनका कहीं वो करवा दो, किसी गौशाला में इन्हें भिजवा दो, कभी बता रहे हैं भाई वहाँ ऐसा हो रही है वहाँ ऐसा हो रही है, तो हम तो साहब अब मारने से अच्छा तो ये अच्छा अपनी फसल को बचाने को इन्हें यहाँ लिया है, अभी ना देख लो ये किसान से कर रहे हैं, जब किसान ही मार दिए तो क्या करा जाएगा। ठीक, आज जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं इस बारे में बताइए। प्रदर्शन करना तो साहब किसान की मजबूरी हो गई, किसान करे क्या, ज्यादा कहा है तो बता दो भाई, इन्होंने ये दुनिया भर की गायें हैं, दुनिया भर के बिजार ये जंगलों में छुटवा दिए, ये किसान बच्चों के लिए हमारे हमारे परिवारों के लिए, अब इसमें मजबूरी हो गई, इनका कोई ना कोई व्यवस्था करो, जब आप इन्हें रोक रहे हो इन्हें छुटवा रहे हो तो इनकी कोई व्यवस्था भी करो, जब ये व्यवस्था नहीं करते, हमने ज्ञापन भी दिया था परसों, एसडीएम साहब ने हमें बुलाया था, हमने इनसे कहा था कि भाई कोई भी इनके लिए व्यवस्था करो, ये आपके पशु हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये जान का भी और माल का भी दोनों का खतरा किसान के लिए बन गए, फसल तो बर्बाद कर ही रहे, जान का भी खतरा हो गया, लोगों को जान से मार रहे हैं, अभी हमारा एक संभल जिले में जो है गवा क्षेत्र में जो है किसान को जान से मार दिया 5-4 दिन पहले, किसान यहाँ हमारे देहरा चक में मार दिया, जहाँ तहाँ जो है किसान मर रहे हैं, किसान को मार रहे हैं, अभी किसान की इनकी पॉलिसी थी मोदी जी क्या कह रहे थे 2022 में आए दुगनी कर दूंगा, जो आए भला जान भी खत्म होने जा रही है किसान की, एक पोजिशन में पहुंच गया, गन्ने के 2 रुपए ये नहीं बढ़ाते, गन्ने का पेमेंट ये नहीं दिलवाते, अभी ये काम और इन्होंने नया कर दिया, मेरे 6 सट्टे हैं किसान, 6 बच्चों के परिवारों के भाइयों के नाम हमारे जमीन है, अब 6 के 6 एक साथ है, एक आज भी गन्ना तोड़ता गिरता है, ये कह रहे हैं कि 6 की पत्ती जो है अगर एक साथ भी आ जाए तो 6 ही बारी तोड़ लो,
अरे ये काम तुम्हारा है, तुम्हें तो गन्ना लेने से मतलब है, पट्टी हो गन्ना दे दो। हमारा काम है जब मेरे पे ट्रैक्टर सारा चार सिलेंडर तकड़ा है, टिपरर तकड़ा है, 100 क्विंटल उठा देगा, तो फिर हम तो जो है चेहरी पट्टी एक बार भर के तोड़ लेंगे। ठीक, जो काम इनका थोड़ी है, तो हमारा काम है। ऐसी जबरदस्ती किसान पे थोप रहे हैं, जो चीज में आ रहा है वो कह रहे हैं लोगों, एक वो पहले बुढ़े कह रहे थे, हमारे एक देसी भाषा थी तो भैया डोबली के घर ब्याज जो मुआवा वही गा, जो चीज का जी कर रहा वही गा रहे हैं।